रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा मैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 के रिलीज डेट के अपडेट के बारे में। जानेंगे दोस्तों यहां पर फिल्म मुंजिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। कल की 2898 एडी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कितने करोड़ के एडवांस ले ली है इस बारे में, और जानेंगे यहां पर फिल्म चंदू चैंपियन के एडवांस के बारे में। साथ ही साथ बात करने वाले हैं दोस्तों औरों में कहां दम था के ट्रेलर के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार, अजय देवगन, अल्लू अर्जुन, प्रभास और कार्तिक आर्यन के डाहट फैंस और उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में आपको यंग बॉय कार्तिक आर्यन के साथ साथ इलियाना डी क्रूज, विजय राज और राजपाल यादव भी नजर आने वाले हैं। कबीर खान के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों चंदू चैंपियन एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, जिसके ट्रेलर ने सभी को इम्प्रेस किया है और फिल्म में कार्तिक आर्यन का हार्ड वर्क और उनका डेडिकेशन अलग ही नजर आ रहा है। फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते यानी कि दोस्तों 14 जून को रिलीज होने वाली है, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2500 से 3000 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग है। और दोस्तों ये फिल्म इन 3000 स्क्रीन पर डबल डिजिट की ओपनिंग ले सकती है। हालांकि अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि चंदू चैंपियन की जो एडवांस बुकिंग है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 1,04,00,000 रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से एक एवरेज एडवांस बुकिंग है। हालांकि दोस्तों चंदू चैंपियन की रिलीज में अब 24 घंटे का समय ही बचा हुआ है। अगर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग आज इसी तरह से ट्रेंड करती रही तो ये फिल्म 2 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग लेकर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ओपन होने वाली है। जिस तरह का ट्रेंड दोस्तों यहां पर चंदू चैंपियन कर रही है, फिलहाल में दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 10 से 11 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म मुंजिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा ट्रेंड कर रही है और इस साल रिलीज होने वाली एक और सरप्राइजिंग सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। जी हां दोस्तों, मैड डॉग फिल्म्स द्वारा बनाई गई मुंजिया, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, और इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको शर्वरी वक्त के अलावा अभय वर्मा, मोना सिंह और सत्यराज नजर आए हैं। आदित्य सरपोटदार के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, और इन 1600 स्क्रीन पर इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 4,25,00,000 रुपए कमाए, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग ओपनिंग थी किसी भी नई स्टार कास्ट की वजह से। लेकिन दोस्तों अपने दूसरे और तीसरे दिन के ट्रेंड के बाद दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। बताते चले दोस्तों आपको कि मुंजिया इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को पसंद आ रही है, साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी कर रही है। अपने 3 दिनों में ही दोस्तों इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी। विगड़ेस में दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जो होल्ड था वो आउटस्टैंडिंग रहा, और इस फिल्म ने जहां अपने चौथे दिन 4,11,00,000 रुपए कमाए थे, वहीं दोस्तों अपने 5वें दिन पहले दिन की ही तरह 4,21,00,000 रुपए कमाने में कामयाब रही थी। कल दोस्तों अपने 6वें दिन भी इस फिल्म के कलेक्शंस सेम ही ट्रेंड करते हुए नजर आए और इस फिल्म ने कमाए हैं 3,95,00,000 रुपए, और इन 3,95,00,000 के साथ ही दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 7वां दिन है और आज भी ये फिल्म सेम ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, यानी कि दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमाघरों में जा रही है, और ये फिल्म आज अपने 7वें दिन भी लगभग 3,70,00,000 रुपए कमाने वाली है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ रुपए कमा चुकी है। मुंजिया दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी तरह से ट्रेंड करती रही तो हो सकता है दोस्तों कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सरप्राइजिंग 100 करोड़ के आंकड़े को भी छू ले। बात कर लिया दोस्तों यहां पर फिल्म औरों में कहां दम था से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरस्टार अजय देवगन और तब्बू की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म होने वाली है औरों में कहां दम था, जिस
जिसका डायरेक्शन करने वाले हैं इंडियन सिनेमा को कई सारी कल्ट क्लासिक फिल्में दे चुके नीरज पांडे। 5 जुलाई को रिलीज होने वाली दोस्तों इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रैंड रिलीज करने की प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन दोस्तों फिलहाल में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया। फाइनली दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है कि इस फिल्म का एक धमाकेदार और ब्यूटीफुल ट्रेलर आपको 13 जून को देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको तब्बू और अजय देवगन की एक बार फिर रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। तो वही दोस्तों फिल्म में आपको जिमी शेरगिल, शांतनु महेश्वरी और साई मांजरेकर भी नजर आने वाली है। यह फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली एक सरप्राइजिंग हिट फिल्म साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से नीरज पांडे ने अक्षय कुमार के साथ फिल्में की थी वो फिल्में तो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, लेकिन अजय देवगन जैसे क्लास एक्टर के साथ भी दोस्तों वो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म देने को तैयार है। दोस्तों बताते चले आपको कि आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म के ट्रेलर को आप फ्राइडे फिल्मवर्क्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर फिल्म पुष्पा 2 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2, जिसका हम सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। हालांकि दोस्तों ये इंतजार थोड़ा लंबा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और ब्यूटीफुल रश्मिका मंदाना की फिल्म पोस्टपोन होती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों आप सभी को बताते चले कि सुकुमार सर के डायरेक्शन में बनने वाली इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड और मोस्ट हाइप्ड फिल्म है पुष्पा 2, जिसका सभी को काफी बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म दोस्तों 15 अगस्त को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने वाली है, लेकिन दोस्तों अब जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह है दोस्तों कि इस फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है, लेकिन दोस्तों फिलहाल में बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में इस फिल्म के सामने आ चुकी है। एक है दोस्तों यहाँ पर जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ की फिल्म वेदा, और दूसरी है दोस्तों कल ही अनाउंस हुई सुपरस्टार अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म खेल खेल में। अगर दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अनाउंसमेंट पूरी कर दी है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि पुष्पा 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस 15 अगस्त को हमें देखने को नहीं मिलने वाली। पुष्पा 2 के दोस्तों 3 गाने रिलीज किए गए हैं और तीनों ही गाने ऑडियंस को पसंद आए हैं। अब दोस्तों उम्मीदें हैं कि पुष्पा 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल अगस्त में रिलीज हो जाए और बॉक्स ऑफिस पर सबकी बोलती बंद कर दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर पुष्पा 2 का क्लेश खेल खेल में और वेदा से होता है तो कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस की बाजी मारेगी? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इंडियन सिनेमा की इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म और हॉलीवुड लेवल स्टैंडर्ड को मैच करती हुई फिल्म कल की 2898 एडी से जुड़ी एडवांस बुकिंग और इस फिल्म से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन सर जैसे बड़े स्टार से सजी हुई एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है कल की 2898 एडी, जिसकी कहानी 6000 साल पुरानी होगी और आज से लगभग 800 साल बाद की होगी। यानी कि दोस्तों एक काफी बड़े अंतराल के बीच में इस फिल्म को बनाया गया है, जिसमें आपको सुपरस्टार प्रभास के आउटस्टैंडिंग लुक्स और एक्शन देखने को मिलने वाले हैं। अमिताभ बच्चन सर का एक्शन फिल्म में गजब का होने वाला है, तो वहीं दोस्तों दीपिका पादुकोण और कमल हसन के रोल भी आप सभी को सरप्राइज कर देंगे। ये सब चीजें तो दोस्तों आपने इस फिल्म के ट्रेलर में देख ही ली होगी, लेकिन दोस्तों इससे भी कहीं ज्यादा आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर दोस्तों आउटस्टैंडिंग था, जो कि आप सभी को पसंद आया होगा, लेकिन दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के ट्रेलर की वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिए हैं और अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने ट्रिपल आर जैसी बड़ी बेहतरीन फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए $1 मिलियन के आंकड़े को सिर्फ 4 ही दिनों में क्रॉस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों बताते चले आपको कि अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो $11 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, यानी कि $1.1 मिलियन के आंकड़े को पार करते ही इस फिल्म ने 9,40,00,000 रुपए की कमाई सिर्फ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस से कर ली है। बात की जाए इंडियन बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो सिलेक्टेड सिनेमाज में ही ओपन की गई है और उन सिलेक्टेड सिनेमाज से दोस्तों इस फिल्म के 8,000 से ज्यादा टिकट
24 घंटे के अंदर ही बिक चुके हैं। ये फिल्म दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी अभी तक 1 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि कल की 2898 AD लगभग 6 से 6,500 स्क्रीन पर इंडिया में और लगभग 10,000 स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज होगी। इस फिल्म का दोस्तों जिस तरह का बज ऑडियंस के बीच में बना हुआ है, ये फिल्म दोस्तों सभी की एक्सपेक्टेशंस क्रॉस करते हुए 200 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर से कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कल की 2898 AD को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में कितने करोड़ की ओपनिंग मिलेगी और दुनिया भर में ये फिल्म कितने करोड़ की ओपनिंग लेगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।